हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती। तो अभी एक मतलब बहुत लोगों का कमेंट आया, 3-4 लोगों का कमेंट था। मैंने एक वीडियो में बोला था कि प्राइमरी लेवल में शिक्षक नहीं मिल पा रहे और कट ऑफ काफी कम जा रहे, फिर भी लोग नहीं मिल पा रहे। तो मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूँ। ये आपका ऑफिशियली है, आप देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग जनपद का है, जो थर्ड वेटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ था। आप यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ पर लास्ट जो गुणांक बना है इनका, जो अकेडमी वाला है ये वाला है, और फाइनल जो गुणांक बनना का सबको जोड़ के, क्योंकि आपको पता है 60% आपका डीएलएड वाला होता है और 40% आपका यहाँ पर टेट के गुणांक के आधार पर उनका नंबर बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 42 पर भी चयन हो रखा है। मैंने तो वहां पर 60-65 में कहा था, और आप ठीक है, ये देखिए 40-45 में भी हो रखा है आपका, 42 में हो रखा है, 42 में हो रखा है, 55 में हो रखा है, 54 में हो रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जनरल में भी काफी लोग मिल जाएंगे। कई लोग कह रहे, मैंने सिर्फ इस वीडियो में बोला था कि भाई मैंने कोई कैटेगरी की नाम नहीं लगा था, ठीक है। और कई लोग पूछ रहे कि भाई आप तो गलत न्यूज दे रहे हो। भाई गलत न्यूज कहाँ, ऑफिशियली देखो ना भाई, आपको पता चल जाएगा भाई आपका नहीं आ रखा है, आपके 72 हैं गुणांक हैं, ठीक है। आपने गलत डिस्ट्रिक्ट से डाल रखा है, ठीक है, आपका नाम नहीं आ रखा है वहां से, कहीं ऊपर नीचे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रही है। ये रुद्रप्रयाग का डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, यहाँ 42 सितंबर तक के अभ्यर्थियों का आ रखा है, ठीक है। अब आपका जनपद में नहीं आ रखा नाम, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं? एक तो आपके इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर जो है आपको नियम का कानून का कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कैटेगरी बार पता नहीं, क्योंकि आपको आरक्षण किस हिसाब से मिलता है, क्योंकि आरक्षण का खेल है उसमें, ठीक है। एक तो 50% आपके जनरल मतलब वो वाले हो जाएंगे, विज्ञान वाले 50% आपके पदों का 50%, अगर विज्ञानोत्तर वाले होंगे। विज्ञानोत्तर में भी आपका जो है हिंदी वाले का अलग परसेंट है, इंग्लिश वालों का अलग परसेंट है, बाकी बचे उनका अलग परसेंट है। ऐसी बीसीएम में भी अलग अलग परसेंट है, पीसी वालों का अलग परसेंट है, जेडब्ल्यूसी वालों का अलग है, और बाकी अन्य साइंस का अलग परसेंट बनाए हैं। तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते भाई आप गलत बता रहे हो, ठीक है। मैं क्यों गलत बताऊंगा भाई, मेरे सामने नजरों में आप देख सकते हैं, पूरे लिस्ट आप देखिए, आप जो यहाँ पर लास्ट में ये घुमा के आप देख सकते हैं, पूरे लिस्ट में देखिए, यहाँ पर मैंने तो 60-65 में भी बोल रखा है। देखो 60 से भी नीचे कई लोग के हैं, और देखिए इसमें जनरल भी मिलेंगे आपको ऊपर को, ठीक है। हालांकि कितना मिलेगा वो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नाम इनका, यहाँ पर अनूप भंडारी है, ठीक है। अनूप भंडारी, आप भंडारी किस में आते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 64 में भी इनका सही हो रखा है। अब बताओ, अब मेरे से कह रहे हो कि यार आप झूठ बोल रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। भाई क्या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, जो चीज़ रियलिटी है वो चीज़ रियलिटी है। आप अन्य वेबसाइट और अन्य जो लिस्ट है वहाँ पर देखो ना, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रखा नाम, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मेरे को गलत बताओगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ भाई फाइनल कट ऑफ यहाँ पर है, लिस्ट भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। 60-65 में आ रखा है, 50 से करीबन हो रखा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सोनी टिंकम अर्चना, यहाँ पर नाम लिखे हैं आपका, सब देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिस्ट है भाई, ये ऐसी नहीं है। अन्य जनपदों का भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कई जनपदों में 70-72 में भी नहीं आ रखा नाम, नहीं आ रखा मेरे भाई, अन्य कई जनपदों में, जहाँ का रखा है मैंने वहाँ का बताया भाई, 60-65 कम नंबर में आ रखा है ऐसा बोला मैंने, ठीक है। अब बोला तो भाई आ रखा है, इसलिए बोला है मैंने, अपने मन में जितने बोल रखा है, लिस्ट देखो रहे भाई ऑफिशियली है कौन सा, मैंने अपने हाथ से लिख के बना रखा है, 42 तक का रखा है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं यहाँ पर।